Hello guys, welcome back to the series How to Increase Subscriber on YouTube. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नई YouTube एल्गोरिदम कैसे काम करता है और इसको कैसे ब्रेक करें. पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आज मैं जो बताने वाला हूँ आपको ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फायदेमंद. बाय द वे ये पार्ट टू वीडियो सीरीज है. अगर आपने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए. वीडियो शुरू करने से पहले आज के विनर्स हैं AJ, Easy Tech Solutions, नीरज बेस्ट, आयशा खान. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. नंबर फोर है अभी की करंट यूट्यूब एल्गोरिदम को जानने की जरूरत. पिछले 10 सालों में यूट्यूब एल्गोरिदम बहुत बार कई बार चेंज होती आई है, लेकिन यूट्यूब पर जो टॉप के यूट्यूबर्स हैं, जो टॉप के चैनल्स हैं, वो किस तरह का कंटेंट बनाते आ रहे हैं कि हर बार जब भी एल्गोरिदम चेंज होती है, ये जो टॉप के प्रोड्यूसर्स हैं, टॉप के यूट्यूबर्स हैं, ये हर बार सक्सेस कैसे करते हैं, वो अपना कंटेंट किस बेस पर बनाते हैं, किस आधार पर बनाते हैं. तो उनके कंटेंट पर रिसर्च करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है, जो रिजल्ट निकला है, जो नतीजा निकला है, वो ये है कि YouTube एल्गोरिदम लॉन्ग वीडियो और लॉन्ग वॉच टाइम का फेवर करता है. ये प्यूडीपाई का चैनल है जो बहुत तेजी के साथ ग्रो हुआ क्योंकि इन्होंने अपनी शुरुआती वीडियोस बहुत लंबी लंबी बनाई. आपने देखा होगा कि एड लगाने के लिए, मिड रोल एड प्लेस करने के लिए, जब हम वहां पे एड प्लेस करते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि वो शर्त क्या है कि 8 मिनट की वीडियो को कहता है. तो इससे क्या पता चलता है कि वहां पे हम मिडरोल एड्स प्लेस तभी कर पाएंगे अगर हमारी वीडियो 8 मिनट की होगी, 8 मिनट हो या उससे लंबी हो. तो YouTube तो खुद ही बता रहा है ना कि आपकी वीडियो 8 मिनट हो या 8 मिनट से ज्यादा की हो. तो आप अपनी शुरुआती वीडियोस में 8 मिनट से कम नहीं बनाना है, कम से कम 1 महीने के लिए, यानी 33 वीडियो आप अपनी बनाइए जो 8 मिनट से अबव हो, 8 मिनट हो या 8 मिनट से ऊपर की. और उनको क्या करना है, उनको अपलोड कर देना है YouTube पे और शेड्यूल लगा देना है डेली डेली, मतलब डेली डेली वीडियो आपकी ऑटोमेटिक अपने आप अपलोड हो जाए. सेम डे सेम टाइम का ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट, आप देखिए कि मेरे चैनल पे आपको एग्जैक्ट टाइम पे डेली वीडियो मिलती है, सुबह 7 बजे और शाम को 6 बजे डेली. आप देखेंगे डेली 2 वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, चाहे जितना भी बिजी हो, चाहे कुछ भी करता हूँ, लेकिन मैं 2 वीडियो अपने चैनल पे डालता ही डालता हूँ, कैसे भी करके, कुछ भी करके, रात में जाग के कुछ. क्यों? क्योंकि यूट्यूब को डेली अपलोड बहुत पसंद है और यूट्यूब एल्गोरिदम डेली अपलोड डेली कंटेंट का फेवर करता है. आप टी सीरीज का एग्जाम्पल लीजिए, ये अपने चैनल पर रोजाना कम से कम 20 वीडियो रोज डेली अपलोड करते हैं. अब आपने 33 वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दी और शेड्यूल लगा दिया और डेली डेली आपकी वीडियो सेम टाइम सेम डे पे पब्लिश हो रही है. अब क्या करना है, अब आपको एनालिटिक्स देखना है और वीडियो को कस्टमाइज करते रहे. इससे क्या होगा, इससे यूट्यूब आपकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करेगा और ज्यादा इंप्रेशन जनरेट होंगे, जिससे ज्यादा व्यूज आएंगे तो ज्यादा सब्सक्राइबर. जब आप डेली अपलोड करते हैं वीडियो और एक निश्चित टाइम पे करते हैं तो आपकी ब्राउज फीचर में वीडियो आने लगती है जहां से ट्रैफिक आता है. ब्राउज फीचर ये होता है जहां पे हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी स्क्रीन जैसे वो ऑन करेंगे तो वहां पे आपकी वीडियो पॉपअप हो जाती है, वहां पे आपकी वीडियो शो होने लगती है, वहां पे आपकी वीडियो दिखने लगती है. जितनी ज्यादा आपकी वीडियो ब्राउज फीचर में आएगी उतने ज्यादा आपके व्यूज आएंगे, उतना ज्यादा आपका वॉच टाइम बढ़ेगा और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे. अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये तीनों चीजें घट जाएंगी. यहां पर मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप जानते हैं कि YouTube एल्गोरिदम कैसे काम करता है तो आप अपने चैनल को बहुत तेजी के साथ बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं. तो करंट YouTube एल्गोरिदम रिटेंशन और वॉच टाइम, अगर आपकी वीडियो में हाई रिटेंशन और लॉन्ग वॉच टाइम है तो आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड की जाए. लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि आप लॉन्ग वीडियो में ज्यादा ज्यादा रिटेंशन, ज्यादा ज्यादा अटेंशन होल्ड करके नहीं रख सकते क्योंकि ज्यादा देर तक लोगों की अटेंशन रोके रखना बहुत मुश्किल काम है. बस यही कारण है कि जिसकी वजह से ज्यादातर यूट्यूबर फेल हो जाते हैं. तो सवाल यह बनता है कि हम ज्यादा देर तक कैसे रिटेंशन और वॉच टाइम बनाए रखें. नंबर वन है ज्यादा पकाऊ कंटेंट ना बनाए, सामने वाले का अपने व्यूअर का टाइम वेस्ट ना करें, एक भी सेकंड उसका वेस्ट ना करें, हर सेकंड इंपॉर्टेंट बनाए. जैसे मैं करता हूं, मैं अपना इंट्रो नहीं देता हूं, मैं सीधे पॉइंट की बात करता हूं अपनी वीडियो में, सीधी बात नो बकवास अप्लाई करें और मैं अपनी वीडियो में हर मिनट में कुछ ना कुछ सीक्रेट रिवील करता रहता अपने व्यूअर्स के साथ, जो कि रिटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप नहीं जानते कि आपकी किस वीडियो की कितनी रिटेंशन है तो आप अपने एनालिटिक्स में जाइए और वीडियो को चेक कीजिए. जिस वीडियो की रिटेंशन डाउन जा रही है तो ऐसा आप अपनी नेक्स्ट फ्यूचर वीडियो में बिल्कुल मत कीजिएगा. इसलिए ही मेरी वीडियो दूसरे वीडियो से ज्यादा रिकमेंडेड होती है. तो इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादा व्यूज मतलब ज्यादा सब्सक्राइब. नंबर 5 है मोस्ट सर्चेबल कंटेंट बनाइए. मुझे लगता है यही नंबर 1 चीज है जो हर यूट्यूबर को जानने की जरूरत. अगर आप एक नए यूट्यूबर
तो लोगों का आप में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो आपके बारे में जानने के इच्छुक नहीं होंगे, वो आपकी स्टोरी से मतलब नहीं रखते, आप क्या करते हो, आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या आपको पसंद है, लाइक डिसलाइक, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने से मतलब है। तो आपको इंटरेस्टिंग पर्सन बनने से पहले इंटरेस्टेड बनना होगा, आपको दूसरों में इंटरेस्ट लेना होगा, मतलब दूसरे को क्या पसंद है, आपको इस तरीके की वीडियो बनानी होगी। आपको मछली वाली कहावत याद है ना, मछली पकड़ने के लिए जो आपको पसंद है वो आप नहीं लगाएंगे, आपको मिठाई पसंद है या आपको बिस्किट पसंद है या आपको रोटी पसंद है तो आप वो लगाएं और कांटे डालें और सोचें मछली फंस जाए, तो मछली नहीं फंसेगी। मछली कैसे फंसेगी, क्योंकि मछली को क्या पसंद है ये जानना जरूरी है। तो आप जब उसके पसंद की चीज लगाएंगे तो यही आपको वीडियो में करना है। आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है वो मैटर नहीं है, लोग क्या ज्यादा से ज्यादा सर्च करते हैं, लोगों को क्या पसंद है देखना, लोग क्या सुनना चाहते हैं, वो कंटेंट बनाइए जो लोग देखना पसंद करते हैं, वो बोलिए जो लोग सुनना पसंद करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या पसंद है, क्योंकि लोग आप में इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्टेड बनना होगा, दूसरों में रुचि लीजिए। आप ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए या आप ऐसे ट्यूटोरियल बनाइए जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे, मतलब इसमें उनके फायदे का, इस वीडियो में उनके फायदे का क्या है, वो क्यों देखें आपकी वीडियो, क्यों जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको कैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको वो कंटेंट बनाना है जो लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें आपकी वीडियो। तो अब अपने बारे में कंटेंट बनाना बंद करें और मोस्ट सर्चेबल कंटेंट बनाना शुरू करें। अगर आप अपने निश से रिलेटेड कंटेंट के लिए हेल्प चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं, आपको समझ में नहीं आता है कि आप किस तरीके का कंटेंट बनाएं जिससे दूसरों की हेल्प हो, वैल्यू क्रिएट हो, तो आप कमेंट में मुझे अपना टॉपिक बताएं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूं। नंबर 6, बेस्ट थंबनेल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि आपने मोस्ट सर्चेबल कंटेंट तो बना लिया, लेकिन भाई जब तक लोग आपकी वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि ये कंटेंट बहुत अच्छा है। तो वो सबसे पहले आपकी वीडियो पे क्लिक करें, और क्लिक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, थंबनेल। क्योंकि थंबनेल देख के ही ऐसा लगना चाहिए कि इस पे क्लिक करूं। अगर आपको नहीं पता कि क्लिकेबल, सर्चेबल, इमोशनल, अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाएं, इसके लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी इमेजिनेशन का यूज करके बस थोड़ा सा क्रिएटिव होना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके थंबनेल कितने अच्छे हैं, तो आप अपने YouTube स्टूडियो को ओपन कीजिए और फिर एनालिटिक्स पर जाइए और हर वीडियो का थंबनेल चेक कीजिए। ये जो आपका CTR होता है ना, ये थंबनेल का ही होता है, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, ये आपको बताता है कि आपका थंबनेल कितना अट्रैक्टिव है। बस इस सीरीज के लिए इतना ही। अगर आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखा तो कमेंट में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्या पता अगले विनर आप हो। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।